नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के भू कानून यानी लैंड लॉ की। वीडियो में आज हम जानेंगे क्या है भू कानून और क्यों उत्तराखंड के लोग इसकी मांग करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं। भारत के लोगों के पास कहीं भी आजादी से रहने और घूमने का अधिकार है और इसमें कहीं पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या हो अगर इस अधिकार के तर्ज पर किसी विशेष स्थान के लोग अपनी संस्कृति, परंपरा, लोक भाषा, जलवायु आदि पर खतरा महसूस करने लगे। आजकल उत्तराखंड राज्य में भू कानून की मांग बहुत जोरों से चल रही है। इसका आवाज आपको सोशल मीडिया के ट्रेंड से ही हो जाता है। आइए जानते हैं भू कानून क्या है। उत्तराखंड के युवाओं ने हिमाचल प्रदेश की तरह अपने राज्य में भी भू कानून लागू करने की मांग की है। हिमालयी राज्य हिमाचल प्रदेश में राज्य का अपना भू कानून है। हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्य से आया कोई भी व्यक्ति जमीन नहीं ले सकता। इसी तर्ज पर उत्तराखंड में भी भू कानून की मांग उठ रही है। इसी के तर्ज पर उत्तराखंड वासियों की मांग है कि उनके राज्य में भी इस तरह का एक भू कानून हो। सोशल मीडिया में ट्रेंड देखते हुए यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तराखंड राज्य के लोग भी भू कानून चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि भू कानून की मांग पहली बार हो रही है। उत्तराखंड राज्य में भी भू कानून बना हुआ था। 9 नवंबर 2000 को राज्य की स्थापना के बाद सन 2002 में एक प्रावधान किया गया था कि अन्य राज्यों के लोग उत्तराखंड में सिर्फ 500 वर्ग मीटर तक की जमीन खरीद सकते हैं। 2007 में यह सीमा घटाकर 250 वर्ग मीटर कर दी गई। इसका मतलब किसी भी राज्य से आया व्यक्ति उत्तराखंड में अधिकतम 250 वर्ग मीटर की कृषि जमीन ही खरीद सकता था। 6 अक्टूबर 2018 को उत्तराखंड सरकार एक नया अध्यादेश लेकर आती है जिसके मुताबिक उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 में संशोधन का विधेयक पारित किया गया। इसमें धारा 143 क और धारा 154(2) जोड़ी गई जिसके तहत पहाड़ों में भूमि खरीद की अधिकतम सीमा को ही समाप्त कर दिया गया। निवेश और उद्योगों को बढ़ावा देने के नाम पर लाए इस संशोधन से अन्य राज्य का व्यक्ति उत्तराखंड में कितनी भी जमीन खरीद सकता था। जब से उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों के लिए राज्य में जमीन खरीदने की सीमा हटाई है तो राज्य के लोग इसे जल, जंगल और जमीन पर खतरे के रूप में देख रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ की जलवायु, सभ्यता, परंपरा, संस्कृति, लोक भाषा के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। उत्तराखंड वासियों का डर का कारण यह भी है कि यदि आज बाहर के रसूखदारों को यहाँ के पहाड़ भेज दिए जाएंगे तो आज के समय हमारे पहाड़ कहकर गर्व महसूस करने वाले यहाँ के लोगों की पीढ़ियों को इस भूमि से वंचित होना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश जो पहाड़ी राज्यों में सबसे संपन्न है उसके इस विकास का कारण कहीं ना कहीं वहाँ का भू कानून भी है और जो कि सच है। उत्तराखंड राज्य में अधिकतर उद्योग दूसरे राज्य के लोग चलाते हैं, चाहे होटल हो, रेस्टोरेंट हो, कारखाने हो या निजी स्कूल कॉलेज। ज्यादातर संस्थाओं के मालिक उत्तराखंड से बाहर के लोग हैं। इस राज्य के लोगों का इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। बस कुछ राज्य के लोग ही इन संस्थाओं में नौकरी करते हैं जिन्हें भी उतना वेतन नहीं दिया जाता। अगर उत्तराखंड में भू कानून बन जाता है तो बाहर के लोग इस राज्य में जमीन नहीं खरीद सकते जिससे यहाँ का सारा उद्योग क्षेत्र के लोगों के हाथ में ही आ जाएगा। जाहिर है अगर किसी संस्थान का मालिक राज्य का ही होगा तो वर्कर भी उसी राज्य के रखेगा जिससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। राज्य में सशक्त भू कानून को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि राज्य में भू कानून लागू करने को सरकार पूरी तरह से तैयार और प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जल्द ही कैबिनेट बैठक में इसका प्रस्ताव रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार के लिए जन भावनाओं का सम्मान सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि भू कानून के लिए गठित समिति की रिपोर्ट सरकार को मिल चुकी है, जल्द ही इस रिपोर्ट को कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि उत्तराखंड धर्म, अध्यात्म, संस्कृति और देवों की भूमि है। यहां जमीन खरीद फरोख्त बड़े पैमाने पर होने से प्रदेश की कानून व्यवस्था और शांति के लिए चुनौतीपूर्ण स्थितियां बन रही हैं। इसे ध्यान में रखकर ही भूमि खरीदने से पहले व्यक्ति की पृष्ठभूमि के सत्यापन की आवश्यकता महसूस की गई। इसके लिए नियम तैयार किए जा रहे हैं। नियमों के अनुसार ही परीक्षण कर भूमि खरीदने की अनुमति दी जाएगी। तब तक के लिए बस इतना ही और उत्तराखंड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।